हेलो, वेलकम इन सब्जेक्ट गो। सब्जेक्ट गो स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर में बोल के टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी कंप्यूटर में बोलेंगे, कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर आप बोलेंगे और कंप्यूटर जो है खुद उसको टाइपिंग करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको कंप्यूटर में ब्राउज़र में एक साइट आप ओपन करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर जो है लिंक आपको दे देता हूँ। तो चलिए लिंक देख लीजिए आप कौन से साइट खोलेंगे। साइट का नाम है डिक्टेशन, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं हम डिक्टेशन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको ईमेल द्वारा प्राप्त होगी। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सीखते हैं आज के अध्याय को। dictation.io जो यहाँ पे टाइप करना है आपको। उसके बाद ये एक साइट है जहाँ पे आपको बोल के टाइपिंग करने का जो है सुविधा मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये साइट ओपन हो गया है और देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन डिक्टेशन। तो यहाँ पे जो है आप टाइप कर सकते हैं। टाइप कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है स्टार्ट डिक्टेशन। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो है आपका माइक जो है वो काम करना शुरू कर देगा, यानी कि जो है इसमें टाइपिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं और जो भी इसमें आप टाइप करेंगे उसे आप चाहे तो कॉपी करके किसी फाइल में MS वर्ड में, नोटपैड या वर्डपैड में पेस्ट करके फाइल को सेव कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक करके जो भी चीज़ आप टाइप करेंगे उसको सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा, देखिए यहाँ पे एक मैसेज आता है आपके सामने, यूज़ योर माइक्रोफोन, ठीक है। तो अलाउ यहाँ पे मांगता है आपसे, तो अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे मैंने माइक्रोफोन का यूज़ किया है तो मैं इसके द्वारा जो यहाँ पे बोलूँगा और ये जो है आवाज़ के द्वारा कैच करेगा वॉइस मेरी और उसके बाद जो है यहाँ पे करके दिखाएगा ये टाइपिंग। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज मोबाइल, एंटर। व्हाट इज मोबाइल, व्हाट इज माउस, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए इस तरह से जो ये टाइपिंग कर रहा है बहुत ही फास्ट तरीके से। तो चलिए इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आप टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भी चीज़ आपने टाइप किया इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे सेव कर लीजिए। अगर कॉपी करना है तो डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं जो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। तो सेव करने के लिए देखिए ये फाइल जो है यहाँ पे आ गया। अभी इसको ओपन करके देखेंगे कि ये कौन सा फाइल है इसको। तो देखिए ये जो है डाउनलोड हो गया, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं इसमें जो है आया है पूरा या नहीं। तो देखिए इस तरह से एक जो है नोटपैड का फाइल इसने तैयार कर दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया साइट है जहाँ पे आपका जो है वॉइस बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लियर जो है ये कैच करता है और उसके बाद ये टाइप करके आपको देता है। तो इस तरह से जो है आप इसमें टाइप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने अभी इंग्लिश ले रखा था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, उसमें मैंने टाइपिंग किया है। अगर आप चाहे हिंदी तो चलिए देखते हैं हिंदी में है या नहीं है। अगर होगा यहाँ पे हिंदी तो हिंदी में भी आप टाइप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हिंदी मिल गया, तो हिंदी में भी हम यहाँ पे बोल के देख लेते हैं। तो इसको जो है पहले हम क्लियर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल क्या है, मोबाइल में क्या क्या काम होते हैं, कंप्यूटर को किसने बनाया है, हिंदी में वेबसाइट, सबसे छोटा वेबसाइट कौन सा है इंटरनेट पे। तो देखिए इस तरह से जो है ये टाइप कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। ये देखिए ये हिंदी में टाइप कर दिया है। तो इस तरह से जो है आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको भाषा यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। देखते रहिए सब्जेक्ट गो स्मार्ट क्लास और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।